कारवां टीवी हर पल आपके साथ। एक महीने से अंधेरे में डूबा हुआ है इजाज नगर गौटिया। संस्था पैनी नजर ने लिया एक्शन, अधिकारी को दिया ज्ञापन। जी हां, बरेली इजाज नगर गौटिया जगतपुर में एक महीने से पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था ध्वस्त चल रही है, जिसके चलते इलाके में लोगों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार को अपनी पीड़ा सुनाई। संस्था अध्यक्ष ने तत्काल हारून नगला क्षेत्राधिकारी को तत्काल बिजली सही किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। संस्था अध्यक्ष ने कहा, बिजली विभाग बिल लेने में उपभोक्ताओं के साथ कोई रियायत नहीं करता, बल्कि बढ़ी हुई रीडिंग तक के पैसे वसूलता है। महंगी बिजली खरीद रही उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह से बिजली विभाग द्वारा सताई जा रही है। संस्था अध्यक्ष ने क्षेत्राधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि तत्काल इस भीषण गर्मी में रह रही जनता की बिजली की समस्या को दूर किया जाए। साथ ही वहां पर नीचे लटक रहे तारों के झुंड के कारण कभी भी कोई भी गंभीर हादसा घट सकता है, क्योंकि हाल में ही वहां के लोगों ने बताया एक गाड़ी जल गई, लोगों के सिर के ऊपर से तार लटक रहे हैं। इन सभी बातों को बताते हुए संस्था अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा कि यदि कोई वहाँ हादसा होता है तो इसके लिए सीधे सीधे बिजली विभाग जिम्मेदार होगा, क्योंकि बिजली विभाग को जनता लगातार जानकारियां व सूचनाएं दे रही है। बिजली विभाग का कहना है कि संसाधनों की कमी व स्टाफ की कमी के कारण हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर संस्था अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता सबसे महंगी बिजली खरीद रही है और सबसे अधिक टैक्स भी दे रही है, इसके बावजूद भी ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये भ्रष्टाचार का आलम है। इसके बाद भी जनता इन समस्याओं से जूझ रही है। देखिए कारवां टीवी के लिए बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की ये रिपोर्ट। एक आदमी बोल लो। हम लैंड मैन के बात कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि वहाँ के इलाके की पूरी लाइन डिस्टर्ब है। हाँ। और डिस्टर्ब जगह जगह कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं कुछ, बिजली व्यवस्था चल रही है। पतली पतली गली है आज की तो है नहीं। और देखिए मैंने आगे जाके जैसे आप उधर गतियों में जाएंगी तो ऊपर आर्मर्ड केबल भी पड़ जाएगी, वो काम हर जगह होगा, मगर मौसम मेरा साथ नहीं दे रहा बस। और जहाँ ये गली की बात कर रहे हैं वहाँ भी पोल पड़े लगे हुए हैं, वहाँ भी पोल लगे हुए हैं। और लेकिन मौसम कहाँ 15 दिन से मौसम है, काफी लंबे समय से पहले बात है मेरे पास। देखिए मेरे बिजली घर पे भी यहाँ पोल पड़े 18 तारीख से बढ़ा रहे हैं, पोल पड़े हुए हैं। मौसम थोड़ा मेरा साथ दे दे, ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, ट्रांसफार्मर लग जाएगा। एक चीज कुछ सही कर देती, दो चीजें और खराब हो जाती, तो इसका ये मतलब है कि काफी गहराई से उसमें काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि दो घंटे सप्लाई मिल रही है, 2 घंटे जो सप्लाई चलती है ना, उसके बाद हर आदमी सोचता है भाई शहर, क्योंकि शहर का मामला है, हर आदमी का सब लोड है, तो उसमें लोड पड़ता है। अपनी जगह पर तो आप अपनी समस्या बता देते हैं, सही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकारी विभाग हमसे पैसा लेने में कहीं एक रुपए चवन्नी नहीं छोड़ता है, बल्कि बढ़ा के ले लेता है हमसे, क्योंकि पावर है आपके पास, हमारे पास आप वो पावर नहीं है कि हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे पास कार्रवाई कर सकते जी मैडम, क्या मामले में यहाँ पे एजाज नगर गौटिया के और जगतपुर के लोग आए हुए हैं और वहाँ पर बिजली व्यवस्था लगभग एक महीने से ध्वस्त चल रही है। मुश्किल से 2 घंटे 1 घंटे बिजली आती है 24 घंटे में, तो इस स्थिति में वहाँ गर्मी में जनता रह रही है, सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं और लंबे समय से ये लोग कंप्लेंट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला यहाँ नहीं था। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ इन लोगों के साथ में, पब्लिक के साथ में, तो मैंने यहाँ SDO साहब से बात करी है, हारून नगला क्षेत्र है, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि आज ही ट्रांसफार्मर पहुँचा है, नया ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर बेकार हो चुका था। तो अब देखते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिजली चालू हो जाएगी। और वहाँ पर इतनी जो लाइनें फैली हुई हैं, तार का झुंड बना हुआ है, गुच्छे बने हुए हैं और जो इतने नीचे लटक रहे हैं कि कभी भी वहाँ कोई भी किसी प्रकार का हादसा हो सकता है, किसी की भी जान, क्योंकि हाल ही में वहाँ पर तार गिरने से एक गाड़ी जल के राख हो गई
और इस तरह तार इतने नीचे लटके हुए हैं कि अगर थोड़ा सा भी आदमी लंबाई ज्यादा हो तो उसके सर में टच कर जाएगा या हाथ वो उठा दे तो उसके हाथ में टच हो जाएगा। तो इस तरह की एक भयानक स्थिति बनी हुई है। तो मैंने भी यहाँ क्षेत्राधिकारी महोदय से ये कहा है कि आप तत्काल इस समस्या को देखिए, वरना अगर वहाँ कोई हादसा हो गया तो फिर एक बहुत बड़ा पब्लिक हंगामा कट सकता है। तो ऐसे हादसे ना होने पाए इस बात का बिजली विभाग को ध्यान रखना चाहिए। और यही नहीं, बिजली विभाग से आम जनता हर जगह परेशान है। बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारे सामने समस्या है, स्टाफ नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीद रहे हैं, उपभोक्ता खरीद रहा है, और सबसे ज्यादा टैक्स हम दे रहे हैं, उसके बाद भी बिजली विभाग पूरी तरह से कंगाल बना हुआ है, हाथ खड़े कर देता है बात बात में कि हमारे पास कोई चीज ही नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो ये जो टैक्स हम दे रहे हैं ये कहाँ जा रहा है? इसका मतलब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जिसके कारण बिजली व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बुरी तरह प्रभावित है, बुरी व्यवस्था बनी हुई है। तो इसी चीज को लेकर अगर यहाँ पे इन लोगों की सुनवाई नहीं होती है और आगे बिजली व्यवस्था वहाँ की सही नहीं होता तो आगे भी संस्था जो है धरने प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेगी। पब्लिक की लड़ाई लड़ना हमारा काम है और ये जारी रहेगी। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।